हम जा रहे हैं पसर देवी माता, अभी वहाँ सुबह आरती होगी तो उसी के लिए हम सुबह अर्ली मॉर्निंग आए हैं। हम लोग पचर देवी माता की ओर जा रहे हैं। पचर देवी माता राजा नल की कुलदेवी थी, और जब राजा यहाँ से किला छोड़कर जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, तो अपना सारा खजाना माता के चरणों में, माता की जो पीछे कुआ ऐसा बताते हैं हम लोगों को, उसमें छोड़कर चले गए थे। उस समय एक कहते हैं शेर पर सवार शेरा वाली माता जैसी प्रतिमा रही होगी उस समय, पर ऐसी मान्यता है कि चोर वगैरह जो चोरी करने के लिए उस कुएं में उतरे और माता अपना देवी चमत्कार दिखाते हुए उस कुएं के ऊपर लेट गई, तब से माता को पशुर देवी माता के नाम से जाना जाता है। पहले जब बहुत ज़्यादा निर्माण नहीं था इसका, तो उनके पास में अभी भी एक यहाँ पे छेद है जहाँ से हम लोग पहले बचपन में सिक्के डालते थे, तो बहुत देर बाद एक छन सी आवाज़ आती थी कि बहुत गहरा कुछ अंदर है, और जिसके नीचे कुछ धातुओं का बहुत बड़ा कुछ खजाना टाइप कुछ हो सकता है। हाँ जी। अभी मंदिर बन गया, काफी अच्छा मंदिर बन गया लोरी ट्रस्ट के सहयोग से। हाँ जी। और यहाँ पे नवरात्रि में काफी श्रद्धालुओं का जन सैलाब आता है। हाँ जी। ये मनौतियों के घर हैं, और ये जो मन्नत मांगते हैं लोग, वो लोग बना के जाते हैं। नरवर किले पे जो टूरिज्म है वो पसर देवी माता के लिए काफी आता है। अगर आप नरवर किले जा रहे हैं तो पसर देवी माता भी जाएं। किले की हिस्ट्री में बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ का।